क्या दिक्कत है अगर कोई लड़का किसी लड़के से शादी करता है और कोई लड़की अगर किसी लड़की से शादी करती है तो दिक्कत है, समाज को है, बहुत सारे तर्क हैं उनके पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपना तर्क है। वहीं इस फैसले को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। भारत के सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर बीते 10 दिनों से सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है और इसमें याचिकाकर्ताओं, सरकार और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पक्ष को सुन रही है। सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में समलैंगिक विवाह के खिलाफ अपनी मजबूरियां गिनाते हुए विरोध किया है और फिर गेंद को राज्य के पाले में डाल दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के तरफ से उनका पक्ष रखा है। इन राज्यों में सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम ने अभी अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। तो बीते 10 दिनों से कोर्ट में बहस लगातार जारी है। मुद्दा ये रहा कि जब हर किसी को शादी करने का अधिकार है तो ट्रांसजेंडर और सेम सेक्स वालों को क्यों नहीं है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि सेम सेक्स मैरिज करने वाले कितने हैं, अगर एक भी है तो उसे भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार ये बात कहा है कि प्यार प्यार होता है, लव इज लव, और याचिका में भी यही लिखा है कि अगर इस प्यार को रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कोल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली इस संवैधानिक बेंच दलीलें सुनने के बाद कहा है कि मुद्दा केवल स्पेशल मैरिज एक्ट तक ही सीमित होगा और अभी फिलहाल फैसले को सुरक्षित अपने पास रख लिया गया है। बात करें कि केंद्र सरकारें इसे लेकर के क्या कह रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि अगर जुडिशरी इसमें एंट्री करती है तो ये एक कानूनी मुद्दा बन जाएगा। सरकार बताएं कि वो इस संबंध में क्या करने का इरादा रखती है और कैसे वो ऐसे लोगों की सुरक्षा और कल्याण के काम कर सकती है। समलैंगिकों को समाज से बहिष्कार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट केवल ऑपोजिट जेंडर वालों के लिए है और अलग आस्थाओं वालों के लिए इसे लाया गया था। सरकार बाध्य नहीं है कि हर निजी रिश्ते को मान्यता दे। वहीं याचिकाकर्ता चाहते हैं कि एक मकसद के साथ नई क्लास बना दी जाए जिसकी कभी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वहीं तुषार ने यह भी कहा है कि कोर्ट एक ही कानून के तहत अलग श्रेणी में लोगों के लिए अलग अलग नजरिया नहीं रख सकता है। हम नई परिभाषा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि LGBTQIA+ में प्लस के क्या मायने हैं। उन्होंने पूछा है कि इस प्लस में लोगों में कम से कम 72 अलग अलग शेड्स और कैटेगरी हैं और अगर ये कोर्ट गैर परिभाषित श्रेणियों को मान्यता देता है तो फैसले का असर 160 कानूनों पर होगा। इसे हम कैसे बना पाएंगे, कैसे ठीक कर पाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल करना चाहिए या नहीं, उस पर भी हमने एक अलग ग्राउंड रिपोर्ट की है। वीडियो के अंत में आप उस लिंक को देख सकते हैं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए अनकट देखिए और इस मामले में भी जो भी कुछ अपडेट आएगा वो अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।